दोस्तों कैसे आप सभी, मैं दुर्गेश जायसवाल, मेरे YouTube चैनल ई लर्निंग में दुर्गेश में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों प्राथमिक शिक्षक भर्ती 2019 की जो परीक्षा हुई है तभी से इसमें कई तरह के प्रश्नों का जन्म हो रहा है और लगातार बहुत सारे ऐसे प्रश्न हमारे सामने आ रहे हैं और आपके जहन में भी आ रहे हैं। तो चलिए उन सभी प्रश्नों का हम सब निस्तारण करते हैं या उन सभी प्रश्नों पर हम चर्चा करते हैं। दोस्तों 6 जनवरी को जो शिक्षक भर्ती की परीक्षा हुई, परीक्षा होने के बाद 7 तारीख को कट ऑफ आया, उसके बाद अगले दिन आंसर की आ गई और कट ऑफ और आंसर की आने के बाद उसके ऊपर एक नए तरह के बादल मंडराने लगे और इसे 17 तारीख को माननीय इलाहाबाद हाई कोर्ट एवं खंडपीठ न्यायालय लखनऊ में इसे अलग अलग याचियों के द्वारा, अलग अलग वादी एवं प्रतिवादियों के द्वारा इसे दोनों कोर्ट में चैलेंज किया गया। दोस्तों इस दोनों कोर्ट में चैलेंज करने के जो अधिकार थे वो हम सभी नागरिकों को मिले हैं, उस अधिकार का प्रयोग करके जैसा कि आप सभी को विदित होगा चैलेंज किया गया और माननीय न्यायालय ने पहले तो इसे को स्टेटस अर्थात इसे भर्ती प्रक्रिया में कोई कार्रवाई या कोई आगे शासन द्वारा कोई कार्रवाई न की जा सके इसलिए उसने इस पे को स्टे दिया हुआ है, अर्थात उस प्रक्रिया पे रोक लगाई हुई और 21-22 को तिथि मिली थी, यह तिथि पुनः 29 और 31 तारीख को चली गई। दोस्तों अब अगला प्रश्न उठता है आपत्ति वाले प्रश्नों का। तो दोस्तों मैं आप सभी को यह बताना चाहूंगा कि जो आपत्ति दर्ज कराई गई थी 11 तारीख संध्या 6 बजे जनवरी तक, वे सभी साथियों द्वारा आपत्ति दर्ज कराई गई थी। पीएनपी द्वारा सभी आपत्तियों ने प्राप्त हो गई है और अधिकतम मार्क बढ़ने की जो चांस है वो 3 नंबर तक ऐसे लग रहे हैं कि सभी के मार्क्स बढ़ेंगे और साथ ही साथ विकल्प जो बदलाव है उस बदलाव का फायदा सभी प्रशिक्षकों को मिलेगा और रिवाइज आंसर की जो संशोधित उत्तर कुंजी आनी थी उसकी जो निर्धारित तिथि थी 19 तारीख, लेकिन माननीय न्यायालय के आदेशानुसार उसकी तिथि को भी बढ़ाया गया। अब यह तिथि तभी संभव है या संशोधित उत्तर माला तभी संभव है आना जब यह माननीय न्यायालय द्वारा हरी झंडी दे दी जाए या माननीय न्यायालय द्वारा उसे स्वीकृति मिल जाए। तो अब यह प्रश्न उठता है कि अब आगे क्या होगा। तो मैं कुछ साथियों को बताना चाहूंगा कि आप सभी जो भी साथी ने शिक्षक भर्ती परीक्षाएं दी थी वह सभी जो एमआर सीट थे वह सभी इसके अनुजी के, माने गवर्नमेंट या हमारे शासन जो है वह उस एमआर सीट को पूरी तरह से स्कैन करा लिया है, स्कैन सारे हो चुके हैं। अब मामला यह है कि माननीय न्यायालय द्वारा निर्णय क्या और कैसे होगा। यदि निर्णय 60-65 के पक्ष में रहा तो भी ठीक है, 40-45 के पक्ष में रहा तो भी ठीक है, यदि पूरी तरह से कट ऑफ फट गया, मतलब जो भी निर्णय न्यायालय द्वारा होगा सरकार उस पर त्वरित कार्य करते हुए अपने जो अपडेटेड सॉफ्टवेयर है उसे तुरंत अपडेट कर देगी, जिससे कुछ ही घंटों या कुछ ही समय में हम सभी के रिजल्ट सरकार के हाथ में या सरकार के द्वारा जारी किए गए वेबसाइट पे प्रदर्शित हो जाएंगे। तो दोस्तों मैं आपको यह बताना चाहूंगा कि जिस दिन माननीय न्यायालय द्वारा इस भर्ती प्रक्रिया को हरी झंडी मिलेगी, चाहे वो जिस तरह से, चाहे वो जिसके पक्ष में जाए, उसके तुरंत बाद पहले संशोधित उत्तरमाला आपके पास आएगी। संशोधित उत्तरमाला के चंद घंटों के बाद, चंद या कुछ घंटों के बाद आपको रिजल्ट जो परिणाम होगा जिस प्रकार माननीय न्यायालय द्वारा निर्देशित किया जाएगा उसी आधार पे आपके सामने आपका जो रिजल्ट होगा वो प्रदर्शित हो जाएगा। उसके बाद सरकार तुरंत अपनी पोर्टल, अपनी वेबसाइट जो पहले से बन के तैयार है वो वेबसाइट ओपन कर दी जाएगी, जो आपके रोल नंबर, जन्मतिथि और मोबाइल नंबर के आधार पर वो लॉगिन होगी। जैसे ही आप लॉगिन करेंगे आपके द्वारा भरा गया डेटा पुनः आपके सामने प्रदर्शित हो जाएगा और आप उसमें किसी प्रकार का कोई संशोधन नहीं कर सकते। उसके बाद सरकार द्वारा पहले से तैयार की गई वेबसाइट पर हम सभी काउंसलिंग के लिए अर्हताएं ले लेंगे या काउंसलिंग के लिए पूरी तरह से आप तैयार हो जाएंगे और यह जो काउंसलिंग होगी वह पूरे प्रदेश की होगी और इसमें महिला पुरुष अलग अलग से जो सीट आवंटन था वो खत्म कर दिया जाएगा और सभी सीटों का ब्यौरा इस समय जो भी हमारा बेसिक शिक्षा अधिकारी या बेसिक शिक्षा जो खंड अधिकारी है उनके द्वारा सभी बीएससी अधिकारी को अवगत करा दी गई है या दे दी गई है। जल्द ही आप सभी के सामने पूरे प्रदेश के जिलावार सीट दिखाई देगी और इस बार आप सभी पूरे प्रदेश के लिए अहर होंगे, किसी भी जनपद में, मतलब आप पूरे प्रदेश में एक साथ आप अपनी काउंसलिंग कराएंगे और काउंसलिंग कराने के बाद जो जिला मंडल होगा उसके वह आपके मेरिट और आपके गुणांक से जो मेरिट तैयार होगी उसके आधार पर होगा।
आप सभी साथी प्रशिक्षु काउंसलिंग के पहले आप सभी अपने डॉक्यूमेंट अपने सभी दस्तावेज अपने पास सुरक्षित रख ले, और यदि किसी भी दस्तावेज में कोई असुविधा होती है या किसी प्रकार की कोई समस्या होती है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा, मैं आपको सुझाव दूंगा। और हाँ, यदि किसी प्रकार की कोई असुविधा हो रही है या किसी प्रकार की हल्की फुल्की आपके मार्कशीट में त्रुटि है तो उसके लिए आप सभी माननीय शिक्षकगण आप सभी लोग एफिडेविट बनवा के रखेंगे, उसके बाद आपको भविष्य में संशोधन करने के लिए समय मिल जाएगा। इस समय आप सभी अभ्यर्थियों को नियुक्ति के लिए अग्रसर होना है। तो अगला प्रश्न दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि बहुत सारे दलाल गिरोह इस समय सक्रिय हो गया है जो हमारे शिक्षक भावी शिक्षकों को जो अभी तो फिलहाल बेरोजगार है उन्हें ठगने के लिए इस तरह की अफवाहें चला रहे हैं कि अभी नंबर बढ़ रहे हैं या नंबर बढ़ाए जा रहे हैं। बहुत सारे लोगों ने हमारे पास फोन किया, मैं आपको बता दूं इस तरह किसी भी दलालों चक्कर ना पड़ेगा। आप अपनी योग्यता के अनुसार आप अपनी मेहनत के अनुसार जितने मार्क्स पाए हैं उसी के आधार पर आपकी अब आगे नियुक्ति होनी है, क्योंकि आप सभी की मार्कशीट पूरी तरह से स्कैन हो चुकी है जो सरकार के पास इस समय उसके पास उपलब्ध हो चुका है। और हाँ, अब अगला प्रश्न उठेगा कि कितनी लोग लगभग क्वालिफाई हैं, ये पूरी तरह सेक्रेट है, ये किसी व्यक्ति को नहीं पता, मुझे भी नहीं पता। ये जो संभावित चीजें थी वह मैंने आपको बता दिए क्योंकि इसके बारे में किसी व्यक्ति विशेष को कोई जानकारी नहीं है, लेकिन जो आधार लग रहे हैं कि इस बार लगभग मार्क्स बढ़ने के बाद या न बढ़े लोग उसको मतलब शायद संशोधित उत्तर कुंजी के बाद का अगर देखा जाए तो लगभग 30% रिजल्ट आने की संभावना 25 से 30 लग रही है। लगभग 1 लाख लड़के क्वालिफाई होने की संभावना प्रतीत हो रही है, लगभग 25 से 30%, और लगभग 4 लाख कुछ अभ्यर्थी बैठे थे। अब रिजल्ट परिणाम क्या आएगा यह कहना बेमुश्किल है, लेकिन यह बात मैं आपको बता दूं आप सभी के हम सभी के मार्कशीट पूरी तरह से स्कैन हो चुके हैं, वह सरकार के पास पूरी तरह सुरक्षित है। जैसे माननीय न्यायालय के निर्णय आते हैं उसी आधार पर हम सभी के जो अंक होंगे वह उनके द्वारा तैयार किए गए वेबसाइट पर उपलब्ध होंगे, जिस आधार पर कटाप बनेगी, कटाप के अगले कटाप के आधार पर आप सभी चयन प्रक्रिया के लिए आगामी चयन प्रक्रिया के लिए पूरी तरह से तैयार रहेंगे। तो आप सभी 69,000 भावी शिक्षकों को मेरी तरफ से ढेर शुभकामनाएं, और वे सभी शिक्षक जो इस भर्ती प्रक्रिया में अगर सम्मिलित नहीं हो पाएंगे, यदि उनका चयन नहीं हो पाएगा तो वह कदाचित अपने आप को अयोग्य ना माने, क्योंकि योग्यता और अयोग्यता की जो पैमाना होती है वह पूर्णांक अथवा नंबर नहीं होती, क्योंकि आप इसके पहले सीटेट अथवा यूपीटेट उत्तीर्ण करके इस भर्ती प्रक्रिया में सम्मिलित हुए थे, जो यह बताता है कि आप शिक्षक होने की जो पात्रता थी वह पहले से आपके पास अर्जित है या पहले से ही आप हासिल कर चुके हैं। इसलिए दोस्तों आप सभी को निराश होने जरूरत नहीं है, क्योंकि किस्मत का ताला किस चाबी से खुलेगा यह किसी व्यक्ति को नहीं पता होता है। और यह सत्य जरूर है कि केवल जो चयन होगा वो 69,000 का ही होगा, 69,001 का नहीं होगा, अर्थात केवल को सीटें 69,000 की भरी जा सकती हैं, कम हो सकती हैं, किंतु ज्यादा होने की संभावना अभी कोई प्रतीत नहीं हो रही है। तो जो बचे हुए साथी हैं, चाहे जो भी हो, चाहे वो मैं भी हूँ, चाहे वो आप भी हो, आप सभी को पुनः अगली वैकेंसी की तैयारी के लिए पुनः लग जाना चाहिए। तैयारी का तात्पर्य है आप अपने अध्ययन अध्यापन में अभी से पूरी तरह से पूरे मनियों के साथ अभी से पढ़ना शुरू करें, क्योंकि लगातार भविष्य में जितनी परीक्षाएं होंगी उनके जो क्वालिफाई मार्क होंगे उसके अलावा जो आपके जॉब लेने की या जो अपने आप को जॉब में सिक्योर करने की जो मेरिट होगी वह लगातार बढ़ती जाएगी, क्योंकि प्रतिस्पर्धा जिसे कंपटीशन कहते हैं वह बेरोजगारी के दौर में प्रतिवर्ष लगातार इजाफा होगा, बढ़ता जाएगा, और कहीं ना कहीं प्रतियोगी जो है वो उनकी संख्या भी लगातार बढ़ती जाएगी। इसलिए आप सभी साथी को मैं ये कहना चाहूंगा कि आप सभी साथी लगातार पढ़ते रहें, और क्योंकि यह चयन प्रक्रिया जो होगी इसके पूरा होने के बाद जल्द ही सरकार अगली भर्ती के लिए नए तरीके से पदों का सृजन करेगी और पुनः नई विज्ञप्ति आने की पूरी संभावना है। और अभी तक सेंट्रल में काफी दिन से सेंट्रल अर्थात सेंट्रल गवर्नमेंट में अभी काफी दिनों से बहुत सारे शिक्षक में पद खाली हैं, क्योंकि कोई वैकेंसी ना आने के कारण 2016 के बाद से कोई सीटेट नहीं हुआ है। तो आगामी समय में भर्तियों का जो पिटारा है केंद्र में वो भी खुलने वाला है। तो आप सभी साथियों को मैं ये बताना चाहूंगा, क्योंकि रेस के घोड़े रेस में अच्छे लगते हैं, खेत में नहीं, क्योंकि आप रेस के घोड़े हैं इसलिए आप लगातार रेस करते रहिए, आज नहीं कल जीत आपकी सुनिश्चित होगी। लेकिन उसके लिए एक बात आप लोग ध्यान दीजिएगा,
कि इसके लिए रेगुलरिटी सबसे महत्वपूर्ण होती है। आप अपने लिए रेगुलरिटी बनाए रखें, सफलता जरूर एक न दिन आपके कदम चूमेगी, लेकिन सब इसके लिए एकाग्रता और कंटिन्यूटी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। सफलता का ये सबसे बड़ा जो पैमाना है वह यही है कि आप अपने लगन के साथ साथ आप कंटिन्यूटी जरूर रखें और किसी भी भ्रम अफवाहों के पीछे ना भागे, क्योंकि जो भी होगा जैसा भी होगा आने वाले समय में खुद ब खुद स्पष्ट हो जाएगा। इसलिए किसी व्यक्ति पर प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से कुछ कहने या न कहने से कोई लाभ नहीं है, और आप एक भावी शिक्षक हैं और आप अपने शिक्षक होने के मर्यादाओं का पूरा पालन करते हैं। कमेंट बॉक्स में या किसी प्रकार का जवाब देते समय आप अपने भावी शिक्षक होने के जो प्रदर्शन है उसे पूरी तरह से प्रदर्शित करिएगा, क्योंकि जब भी आप कमेंट करते हैं उस समय यह माना जाता है एक शिक्षक, तो एक शिक्षक की गरिमा आप स्वयं बरकरार रखिएगा और दूसरों को भी इसकी प्रेरणा दीजिएगा। और हम आप सभी आगामी 69,000 शिक्षकों को तहे दिल से स्वागत करते हैं और उन्हें पुनः मैं नई तरीके से नए प्रक्रिया के आधार पर मैं आगामी पुनः आप सभी के लिए अपने इस यूट्यूब जो चैनल जो मेरे भाई साहब ने शुरू किया था उस चैनल पे मैं लगातार आपके लिए इस तरह से वीडियोस पूरे कंपटीशन की मैं आपको उपलब्ध कराऊंगा। और मैं ये उम्मीद करता हूं कि मेरे द्वारा पढ़ाए गए प्रश्न से मेरे नोट से भी काफी क्वेश्चन हूबहू पूछे गए थे। जल्द ही मैं आपको उस लिंक दे के मैं दिखाऊंगा किस किस वीडियो से मेरे कितने कितने प्रश्न आए हैं। लेकिन दोस्तों इस समय यह जज करने का समय नहीं है, इस समय संयम रखने का समय है। आप हिम्मत मत हारिए, लगातार प्रतियोगी परीक्षाओं में बने रहिए, सफलता आपको जरूर मिलेगी, क्योंकि मेहनत करने वाले कभी भी पीछे नहीं हटते और मेहनत करने से आप कभी समझौता मत करिएगा अगर सफल होना है तो। और हम ये जानते हैं आप जरूर सफल होंगे, क्योंकि सफलता की इबादत आप जैसे लोग लिखते हैं और आप जरूर लिखेंगे। तो आप सभी साथी को आज सुभाष चंद्र बोस जी की जयंती पे ढेर सारी शुभकामनाएं और आगामी गणतंत्र दिवस की मेरी तरफ से आप सभी को ढेर शुभकामनाएं। भगवान करे कि आप सभी के आने वाले समय में जो खुशियां हो इतनी सौगात लाए कि आप अगले गणतंत्र दिवस तक अपने आप को एक खुशनसीब व्यक्ति स्वयं से महसूस करे। और सफलता का पैमाना एक नौकरी नहीं होता, अपने आप में खुश होना प्रसन्न होना भी एक तरह की सफलता होती है। तो चलिए दोस्तों मैं आप सभी को अपनी पूरी बात बताया, हो सकता है मेरी किसी बात से आपको प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से किसी प्रकार का खेद हुआ हो, तो मैं तहे दिल से आपसे क्षमा चाहता हूं। और आप सभी साथियों से मैं ये कहूंगा आप लगातार पढ़ते रहिए, चयन होने के बाद भी जो जिन साथियों को चयन हो जा रहा है वो भी लगातार पढ़ते रहे, क्योंकि आप उत्तर प्रदेश जब पीसीएस का रिजल्ट आता है तो 60% उसमें प्राथमिक विद्यालय के अध्यापक होते हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि आप अपने विजय रथ को अभी नहीं रुकेंगे, तब तक लगातार पढ़ते रहेंगे, जिंदगी का बेस्ट देते रहेंगे और भगवान करे आपकी जो विजय गाथा हो वो इतनी लंबी हो कि सुनने और सुनाने वाले के आंखें भर आए और भी किससे खुशी से। तो आप सभी साथियों को मेरी तरफ से ढेर सारी शुभकामनाएं और आप लगातार मन से पढ़ते रहें और अपनी जिंदगी का बेस्ट देते रहें। जय हिंद, जय भारत।